हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहाँ के देवताओं और रियासतकालीन राजाओं में गहरा संबंध है। इस बात का परिचायक मंडी का शिवरात्रि महोत्सव है, जहाँ पर आने वाले सभी देवताओं की एक अपनी परंपरा और पौराणिकता है। मंडी शिवरात्रि में शिरकत करने वाली एक ऐसी भी देवी हैं जिनकी साज सजावट अभी भी पुरानी परंपराओं के अनुसार ही की जाती है। मंडी जिला के सनोर क्षेत्र की देवी जालपा के रथ को लगने वाली अधिकतर वस्तुएं पुरातन काल की हैं। देवी जालपा के रथ में लगने वाली चांदी की चादर, पुराने मोहरे, माला, छत्र आदि करीब 3 शताब्दी पुराने हैं। माता की मालाओं में रियासत काल के राजाओं के सिक्के लगे हैं जो भी 250 वर्ष पुराने हैं। इसके साथ ही माता का पुरांदा और कपड़े का प्रारूप भी प्राचीन समय के अनुसार ही है। ये पुराने से पीछे से ये जो परंपरा है, जो मालाएं लगी हैं माता की, वो उसी जमान राजाओं के टाइम से और भी चीजें हैं, कोई जो सामने मौजूद है वो यहाँ है। और उसी परंपरा में 50 साल से मतलब माता की सेवा करता हूँ। अब तक मेरे पीछे मेरे बुजुर्गों से राजाओं के टाइम से करते रहते हैं। अब मैं उनकी जगह जो पुरानी चीजें हैं उस टाइम की वो अभी तक मौजूद है, जो सामने है यहाँ वो यहाँ दिख रही है, उन्होंने ले लिया फोटो। बाकी भंडार में देखे हैं, तुरारी हैं, बाजा है, छत्तर है उस टाइम का मतलब। और कितनी लगभग पुरानी चीजें हैं जिनको आप सहेज रहे हैं? पुरानी देखो ये मतलब 1800 के नाम की है पुरानी चीजें हमारे देखती नजर। बाकी उसको देख रिकॉर्ड के देखने लगेगा पता, उसमें छत्तर वगैरह उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, डेट लिखी है, उर्दू भाषा में लिखी है, टांकरी भाषा में लिखी है, हिंदी में लिखी है, वो तो मंदिर में ही है पुराने। जरूरी है माता को, परंपरा पीछे से चली उसी को आगे चलाते जा रहे हैं और आगे भी यही रहेगी हमारी जो देवनीति है वो ऐसे ही चलती रहेगी, उसको माता चेंज नहीं करने देती है। ये चलती रहनी चाहिए क्योंकि मैं पिछले लगभग 20 वर्षों से साथ में आ रहा हूँ, माता के साथ आ रहा हूँ और मतलब तब से हम आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब उसी टाइम से मतलब ऐसे यही रिवाज जो हमारी प्राचीन परंपरा है मतलब उनको हम ऐसे ही ले जा रहे हैं आगे, सेम किसी में ऐसे ही, मतलब उसमें कोई बदलाव या कोई नए, यानी कि कई उसके बाद जब से हमारे उसके बाद कई नए देवी देवता है, मतलब जो नया नया आर्टिफिशियल सब कुछ मतलब ड्राउट है, हमारा कुछ भी ऐसा नहीं, प्राकृतिक है सब कुछ। आने वाली पीढ़ी को भी ये सीखनी चाहिए और ये चीज चलती रहेगी, मतलब आने वाली पीढ़ी को भी, इससे हमारी हिमाचल की जो संस्कृति आगे बढ़ेगी। जालपा माता सनोर बालू के भंडारी पूर्ण चंद बताते हैं कि वो लगभग बीते 50 वर्षों से माता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि माता का श्रृंगार पुरातन परंपराओं के अनुसार आज भी किया जा रहा है, जिससे संस्कृति को आने वाले समय में भी कायम रखा जा सके। या तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।